चाणक्य नीति कहती है कि अगर सामने वाले को हराना है तो उसके दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। और शायद इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाणक्य की इसी नीति पर चल रहे हैं। तभी तो मोदी 2.0 की सरकार में वो पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं है। दोनों ही मुल्क इस वक्त जानलेवा कोविड-19 की मार झेल रहा है। भारत में जहां किलर वायरस के आगे 2752 लोगों ने अपना दम तोड़ लिया है, तो वहीं अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं ताकतवर मुल्क अमेरिका के तो हालात इससे भी ज्यादा गंभीर है। अमेरिका की सरजमीं पर जहां अब तक 88,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 14,00,000 के पार पहुंच चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पड़ोसी मुल्क चीन से निकला कोरोना वायरस एक दिन दुनिया के लिए काल बन जाएगा। अब इन हालातों में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत संग अपनी दोस्ती नहीं निभाएंगे तो बताइए कब निभाएंगे। तभी तो व्हाइट हाउस से बकायदा मीडिया के सामने आकर आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर्स दान करने की बात कही, तो वहीं इस बात का आश्वासन भी दिया कि महामारी के दौर में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इंडिया हैज बीन सो ग्रेट एंड एज यू नो योर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई जस्ट गॉट बैक अ शॉर्ट व्हाइल अगो फ्रॉम इंडिया रिसेंटली and we're working very much with India too, and we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too, great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India. We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. ऐसा नहीं कि दोस्ती निभाना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। ट्रंप की एक आवाज पर पीएम मोदी ने भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 5 करोड़ टैबलेट सीधा अमेरिका पहुंचा दी। बहरहाल संकट की इस घड़ी में दोनों मुल्क कोरोना जैसे दुश्मन को मात देने के लिए एक साथ मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द दुनिया इस जानलेवा कोविड-19 से निजात पा सके।